देखिए, इस साल की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ। आमतौर पे मैं अपने रेडियो स्टूडियो में रहता हूँ, रात को आपको पुराने गाने सुनाता हूँ। मेरा नाम आरजे अनमोल है, लेकिन बड़े भाई ने दावत दी, यहाँ पे इशारा किया, तो स्पेशल ओकेजन पे मौजूद हैं, जैसे कि आप सब के सब मौजूद हैं। आज की इस स्पेशल आफ्टरनून को अगर मैं दो लाइनों में सीमित कर दूं तो बस इतना ही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ना, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होने की आज कहानी है, एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, एंड दिस आफ्टरनून इज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो एक बार माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड एवरीवन हियर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं तो जरा मजा आएगा, गर्माहट हो जाएगी, बारिश जोरों पे है, जोश भी जोरों पे होगा तो मजा आएगा। वेलकम, थैंक यू सो मच। हम सब के सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज पहली बार द सेंसेशनल सिंगर रानू मंडाल जी को आज मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आर हिट मशीन हिमेश रेशमिया, एक बार जोरदार तालियां फॉर द स्पेशल स्पेशल ओकेजन। हम सबके सब ऑलरेडी पहले डाइस पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फॉर्मली लेट मी इंट्रोड्यूस एवरीवन ऑन द डायस। सबसे पहले ऑफ कोर्स हु डजंट नो हिम, 100 से भी ऊपर ब्लॉकबस्टर गाने, वी कॉल हिम द हिट मशीन, ही इज आवर एचआर हिमेश रेशमिया। साथ ही साथ ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सेंसेशन, जैसे कि मैंने कहा सपने सच होते हैं। लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस, ये सिर्फ आपकी स्माइल नहीं है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की स्माइल है आपके चेहरे पे। रानू मोंडाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। दे से बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ सक्सेसफुल वुमन देयर, एंड बिहाइंड दिस स्पेशल फिल्म वी हैव अ वेरी स्पेशल लेडी हु इज देयर, एंड शी इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। एक बार दीपशिका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड यू नो दे आर द लीडर्स इन म्यूजिक, इन्होंने हमें सिखाया है, हमें इन्होंने बताया है कि जब म्यूजिक को कंज्यूम किया जाता है तो कैसे कंज्यूम किया जाता है। फ्रॉम टिप्स इट्स सच अ प्लेजर टू वेलकम कुमार तोरानी जी विद अस ऑन द डाइस। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस। आई विल ब्रिंग द माइक स्ट्रेट टू हिमेश, एंड और डू वी फर्स्ट शो द सॉन्ग, ओके यू वांट। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेज पर जो मुझे इंस्पायर करती हैं, और इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले, माई वाइफ सोनिया, एंड मेरे ये जो एक, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं जहाँ तक भी मैं पहुँच पाया, तो एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे एक गुरु बनकर, एक टीचर बनकर, ही इज़ द बैकबोन ऑफ माई सक्सेस, ही इज़ जिसकी वजह से मैं म्यूज़िक या कुछ भी काम कर पाता हूँ। और एक मेरी बीवी है सोनिया, जो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर करती है कि वो लुक जो मेरा हुआ करता था, और उससे आज एवरी स्टेज पर कुछ और बेहतर करने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पिताजी और मेरी बीवी सोनिया की वजह से। थैंक यू सो मच, ऑफकोर्स ऑल्सो फॉर माई मदर। एंड अतिंदर जी को मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो जिन्होंने वो वीडियो बनाया है जिसकी वजह से रानू जी वायरल हो गई और फिर हमारे शो पे आई, और हमारे उस शो से, सुपरस्टार सिंगर से, हमने पता नहीं क्या लगा मुझे, जहाँ से मुझे लगा कि भाई उन्हें डेफिनेटली एक ऐसी कशिश थी उनकी आवाज़ में, तो मैंने एक वादा कर लिया कि उन्हें रिकॉर्ड करवाना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब वो क्लिप बन गया, वो मेकिंग हो गई, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद मैंने दीपशिखा जी से बात की, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, कुमार जी से बात की, इज़ द म्यूज़िक कंपनी, एंड इतना इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो रानू जी, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि बहुत लोगों का हाथ है, और सबसे ज़्यादा हमारी जनता का, उन्होंने इतना प्यार दिया है आपको। बस आज मैं
इस पूरी ऑडियंस के बारे में ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जस्ट इनको और आगे लेके जाइए, आप इनसे और काम करवाइए, बहुत ज़्यादा ये स्टेज पे परफॉर्म अच्छा करेंगी, बहुत बहुत सुरीला गाती है, हम इनसे हमारा नेक्स्ट गाना भी आशिकी में तेरी जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ जो कुमार जी के लिए पहले भी किया था जब चाइना टाउन में, तो वो गाना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम आदत नाम का गाना भी इनसे गवा चुके हैं और एक गाना भी, तो आपको पता चलेगा कि उनकी आवाज़ में जो वर्सिटैलिटी है, तो उस वर्सिटैलिटी को हमने जितना हो सके वी हैव ट्राइड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये तपोंदा है, तपोंदा ने बहुत बड़ा योगदान है रानू जी के करियर में इनका, तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, बिकॉज ये जब ना होते तो आज एक सेंसेशनल जो सिंगर हमें मिला है वो हमें नहीं मिलता। और मुझे ऑलवेज ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है, तो हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है, हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आर टीम, एंड थैंक यू एवरीबडी, कुमार जी और दीपशिखा जी, वाशु जी एंड यू नो एवरी टीम मेंबर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में, एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, एंड दैट्स वाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज से पहले आजकल के ज़माने में, जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है, वो हुआ है, और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज से पहले बहुत अच्छी बात है, और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एंड एचआर, यू नो हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट द सॉन्ग्स, अबाउट यू, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक दो हमारे पास जो गाने तैयार हैं उनकी अगर एक झलक दिखला दें। जी बिल्कुल, एक गाना हम लोग पहले आपको हीरे का हीरे दिखा देते हैं जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी, और उसके बाद इस गाने का इंतजार जो आप कर रहे हैं जो आज लॉन्च हो रहा है, एंड इट्स द लॉन्च ऑफ अ सेंसेशनल सिंगर टुडे, एंड हमने पूरी कोशिश की है। आप ये दोनों गाने देखिए, पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है जो हमारी फिल्म की एक आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना, और दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है, आज हम दो गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, सो बिफोर वी ओपन द क्वेश्चंस, आई थिंक हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे, नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे, आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी। टेल अस अबाउट इट रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन, वहाँ पे बैठ के वो गाना गाना, वहाँ से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर एचआर ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, सब बताइए। थैंक्स टू गॉड, because he always thinks that's me, that's why, thank you so much. Because God is always time loves me, no, that's why, because he is great, no, yani bhagwan jo hamara hai wo bahut bahut hi pyar karte hai mujhse, yani yeshu jiska naam unhone itna pyar kiya hai, itna pyar karte hai कि हम उनके पास कितने भी, क्या बात है जी, थैंक यू। वाओ, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत, मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। हाउ स्वीट इज दैट, सुपर।
एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये खुशी की आंसू। देखिए ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है। ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया, एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ। वाह, दैट्स इट, थैंक यू। हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे। क्या बात है, आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना काम किया है, इतना ग्रेटनेस, इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे, और मुझे हर दुख भुला दिया, सब ऊपर वाले ने सच और मैं, लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे, अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका देती तो मैं कभी नहीं गा सकती ये बात। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता, तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता, दीपशिखा जी मुझे हाँ ही नहीं करती, ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता, कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता, इतने लोगों ने, आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया, पूरी ऑडियंस आ गई, पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आप लोगों ने किया है, हम सब ने, बस हम सब जरिया हैं, वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज़ टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं, और हिमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए। आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं, आई विल टॉस इट टू माई फ्रेंड्स इन मीडिया, आपके जो सवाल हैं इफ यू कैन रेज योर हैंड्स वी विल गेट द माइक टू यू। यस, कैन वी गेट द माइक देयर? ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं। ओके, कैन यू कैच द माइक? श्योर। ओके, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। Hi Himesh, Faizan this side from Knees Helpline. Hi. Himesh, on your left. There, left. Yep, here. Okay Himesh, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपके आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था, सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजली जजेस को बताते नहीं हैं because wo otherwise you know they have to capture it on camera so it has to be real and they create a very real moment so they didn't tell us to unhone suddenly contestants jo bacche bahut hi great perform kar rahe the show mein uske beech mein ranu ji ko wo log le aaye kyunki kahin na kahin wo show mein genuinely they want the talent to go to that next level to usme ranu ji ko laaye aur unhone wo ek pyar ka nagma live gaya wahan pe yep aur wo viral already ho chuka tha aur mujhe जब मैंने देखा जब वो सुना है ना आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने तो मुझे लगा और तेरी मेरी और तीन चार गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी हमने पहले दो तीन गाने जो रिलीज़ कर दिए थे तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं
350-400 गाने मैंने बना के रखे. तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी. उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे, तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स. कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा. तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया. उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए. वो गाने हिट हो गए. तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है. तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कभी कोई न्यूकमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग. और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैंने सीखा था. और वही चीज़ करता आया हूँ और रियलिटी शोज़ में भी करते थे. और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए. तो बस वो मैंने वादा कर दिया. अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई. वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था. क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक. म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं, और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है. जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आडिहिर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल. रानू जी मेरा सवाल आपसे है. रानू जी आपके लेफ्ट में, हेलो आपके लेफ्ट में इधर वो देखिए वो उधर. रानू जी किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को, कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास, प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए. और फिर हमारी ये जो हेमेश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी. मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है. और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद. क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी. और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है. तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ. और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे ही तपन दा हाथ उठाई यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से जो हमें हेल्प किया. और अतंद्रों को भी, तो उनका भी बहुत शुक्र है. हमारे एक पुराना गाना है 36 चाइना टाउन, इनकी म्यूजिक है, तो उसमें मैं वो भी रीडू करता हूँ इनके साथ. तो मैंने नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, 3-4 गाने बना दो तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे अच्छी तरह से. तो वी आर बैकिंग हर, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड आपका ऑफकोर्स मीडिया, वी नीड मीडिया सपोर्ट इन दिस. तो आप जितना प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सर. एच
Thank you so much. Thank you. देखिए मेरी कैप वाली जर्नी में एक सच ये था कि अब क्या बोलूं बाल उड़ गए थे तो ये था तो कैप लगा ली उसके बाद आप लोगों ने हिट कर दिया फिर गाने तो गाने का म्यूजिक में तो मैं था ही उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो गया तो फिर सब बाल आ जाते हैं यहाँ पे तो आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो जाता है तो आप लोगों की यू नो उससे ये भी अच्छा हो गया उसके बाद सोनिया मुझे हमेशा ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें एक्टर लगना भी तो पड़ेगा कोशिश तो करनी पड़ेगी और मेरी जर्नी बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है मेरी जर्नी कोई आई वॉज अ बॉर्न म्यूजिशियन और अ प्रोड्यूसर और अ सिंगर एंड देन एक रियलिटी शोज में मैं जज करने लगा एंड आप लोगों को एक पॉपुलैरिटी आ गई गाने बहुत सारे हिट हो गए सारे बट एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डिलीवर एज एन एक्टर और उसकी कोशिश मैंने शुरू की बट अभी तो ये मेरी 10वीं फिल्म है तो फर्स्ट फिल्म से एक वर्डिक्ट आ जाता है कि भाई ये करना चाहिए कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली लेकिन हर फिल्म में एक लेवल का मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता गया लेकिन मेन जहाँ पे बहुत बड़ा हाथ सोनिया का है उसमें क्योंकि उसने मुझे कहा कि फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू फिटनेस गेट इनटू वर्कशॉप्स गेट इनटू द राइट जोन वेयर यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्टर और कहीं ना कहीं इसीलिए जब एक्सपोज फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया इसका सीक्वल हम लोग कर रहे हैं उसके बाद तेरा सुरूर आई जिसने मॉडरेट बिजनेस किया तो मुझे कभी अच्छे रिव्यूज़ कुछ लोगों से मिले कभी नहीं मिले तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्यों क्योंकि वो एक्टर की जो दुनिया है वहाँ पर मैं सिर्फ शुरू हो रहा हूँ लेकिन हैप्पी हार्ड हीर में 3 बजे जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत की है और आपको एक बहुत इम्प्रूव्ड एक्टर मिलेगा ये मैंने कोशिश की है जितना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सोनिया का बहुत बड़ा हाथ है शी इज़ डन द स्क्रीन प्ले ऑल्सो फॉर द फिल्म और मेरे डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें कहता है दे टेल मी कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर So if you want to be an actor, then you have to do a great job and then compete with the best. And I have tried to do that in Happy Hardy Heer. Success, non-success, mujhe nahi malum, lekin humne ek bahut acha product banaya hai. Jo 3 baje, I'm proud of the product in terms of the aesthetics, the sensibilities of the film. And trust me, bas wo ek Friday ki zarurat hoti hai har actor ko. Wo ek Friday, mujhe lagta hai, kab mujhe milega? Wo aap logo ke. Wow. Let's. Yeah. Hello. सर सेंटर प्रीति मुझे आप कह रहे हैं जी देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म या ये एक डिबेट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ आप उसको 9 देख रहे हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया तो नेपोटिज्म क्या है अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए बिकॉज वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है और उस वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हार्डी हीर में अच्छा परफॉर्म किया सिर्फ अच्छा तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे क्यों क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है तो आप उसे वो ही चीज़ को
कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे. तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं. लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए. बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है. और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उससे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है. और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल. सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं. तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है. तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है. जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज फ्रॉम सच अ बिग फैमिली. बट दैट डजंट मीन ही इज लेस टैलेंटेड, ही इज अ सुपरस्टार. एंड जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं. सो आई थिंक इट जस्ट कोएग्जिस्ट्स. दैट इज इट. उसमें क्यों नहीं, मैं मुझे कोई इश्यू ही नहीं है ना. अगर किसी को कुछ भी लगता है तो मुझे तो हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना ही है ना. आज इतने सालों से इतने हिट गाने देने के बाद मुझे एक ट्यून और ऐसी बनानी ही पड़ेगी जो उन ट्यून से ऊपर है. और वो माने कितने हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स जो भी हिट हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट है एज अ ट्यून. तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि भाई इज जस्ट आई जस्ट प्रे टू गॉड कि वो ब्लेस मुझे वो ट्यून करेंगे, बिकॉज वो मुझसे बनती नहीं है, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है. मेरे डैड जो उसमें करेक्शन कर देते हैं, वो चीज़ों का बहुत बड़ा वो है. तो वो बन जाए, उसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि भाई अरे हिमेश को भी एक्स्ट्रा नेम एंड फेम मिल रही है किसी चीज़ की, तो फाइन. उसमें मैं वो एंगल से सोच ही नहीं रहा हूँ. मेरा ये है कि मुझे मेरे पिछले काम से ऊपर जाना पड़ेगा. वो उस जाने के लिए अच्छी नीयत से जो भी मैं कर सकूँगा मैं करूँगा. और आपकी फिल्म भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है. सो आपके एक्टिंग के लिए भी मींस टारगेट कर रहे हैं कि सुपरहिट मशीन बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने वही बोला ना, 3 बजे मैं एक प्रोडक्ट के, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्म. और आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें आप जो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज़माना सिर्फ 3 बजे का है, कितनी भी हाइप फिल्म हो पर 3 बजे की बात है. तो 3 बजे द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म, द लुक हैज़ टू बी राइट, द स्टोरी हैज़ टू बी राइट, द स्क्रीन प्ले हैज़ टू बी राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट. बिकॉज आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके रात के 9 बजे की शो की टिकट कैंसिल करवा देगा या डबल करवा देगा. तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है. आई एम होपिंग कि 3 बजे मैं आपके जो प्रोमोज में अगर नज़र आ रहा है और एक जो हाइप बन गई है पिक्चर की, वो उस पर आई कैन मैं खड़ा उतरू. यू नो आई एम ट्राइंग. आई जस्ट लाइक टू से दैट हिमेश जी सच एन ऑनेस्ट एंड रियल पर्सन एंड द फिल्म इज मेड विथ सो मच ऑनेस्टी एंड यू विल सी दैट ऑन स्क्रीन. लाइक एवरी इमोशन इज सो रियल, इवन द वे रानू जी एंड एवरी थिंग दैट ही इज डन फॉर द फिल्म. आई थिंक इट्स आई वी रियली लकी. Thank you so much, and thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumarji and Vasuji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set, so he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please bless him because even he's the new talent. He's been a very good choreographer, and now he's turning director with this film. He's really worked very hard. And with me, he's really worked even harder to make me really presentable, and he's presented me very well. Thank you.
We want to hear it from Sonia ji, because ek taraf screenplay writing of the film aur dusri taraf styling of Himesh. Take us through both the journeys. Where the screenplay writing is concerned, I think this is a very warm and an endearing love story. You know, we all believe in love, and we all like to be loved. So it is a very simple love story with some great romantic music. And that's about it. It's a simple love story where you'll come to the theaters and probably fall in love once again. So a lot of love happening in real life and being poured all into the script. Great. And the styling bit? Styling, I can say yes, the response to Himesh's look, you know, has been very overwhelming. I know people calling me who have never called me to say that the film looks amazing. And you know, those teenagers, they call me up and say, oh, HR is looking snatched. So yeah, it feels nice. We've really worked hard. And you have to work really hard on me, because एक जो look है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक unconventional journey है, उसमें हर इंसान मुझ पर बहुत मेहनत कर रहा है और मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ दीप.